विच आई एम सजेस्टिंग, दैट मीन्स इंडेक्स में कुछ नहीं है, जो रहेगा वो स्टॉक्स में ही रहेगा। और मोर और लेस स्टॉक को देखता हूँ तो कुछ स्टॉक है जो अच्छे लग रहे हैं, जिसमें से मेटल है, और दूसरा जो पैक है जो मुझे लगता है जहाँ मूवमेंट हो सकती है आज के दिन में, वो है फार्मा। और फार्मा में पर्टिकुलरली स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है इंट्राडे टू बीटीएसटी परस्पेक्टिव, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। 895 के आसपास चल रहा है इसका स्पॉट का लेवल। तो अनिल जी, करना यह है इसका 900 का फैब का कॉल ऑप्शन, ये एक्सपायरी का नहीं, अगली एक्सपायरी का, जो 40 रुपीज के आसपास मिल रहा है, इसको खरीदना है। और जिस हिसाब से यहाँ पे अंडरलाइंग का बिहेवियर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है ग्लेनमार्क फार्मा 920 की ओर जाना चाहिए। बहुत सारा टाइम है क्योंकि हम अगली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं, तो टाइम का उतना टेंशन नहीं होता। तो 40 रुपीज में अगर आप खरीद रहे हो तो आप 30 का स्टॉप लॉस रखेंगे राउंड फिगर, और मुझे लगता है अपसाइड में 55 और 65, ये दो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्लेनमार्क फार्मा के फैब के 900 के कॉल ऑप्शन में। सो ग्लेनमार्क का 900 का फैब का कॉल खरीदना होगा, 2 से 3 दिन का ये ट्रेड आएगा। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त ग्लेनमार्क में खरीदारी करने की। ऑप्शंस के जरिए खरीदें, फरवरी महीने का 900 रुपये का एट द मनी कॉल ऑप्शन 40 रुपये में आपको मिलेगा।